हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ओजस शंकर फ्रॉम एचआईएस एंड टुडे आई एम बैक विद द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 21 मई 2024। तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे हम लोग कि कैसे वो आर्टिकल्स हमारे लिए यूपीएससी की जर्नी में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल होगा, और बहुत शोक संदेश है ये, कि जो ईरान के ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे और फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो चुकी है। उन लोगों का जो कल हेलीकॉप्टर खो गया था, वो लोग मिल नहीं रहे थे। आज न्यूज आई है, तो एक्चुअली ये न्यूज कल ही आ चुकी थी, आज के पेपर में पब्लिश हुई है, और इन दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है। इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हमारे देश की कंपनी अमूल, वो यूएस में एक मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ पैक्ट साइन करके वहां पे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है। तीसरा, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और चौथा, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला आर्टिकल और जो बहुत दुखद आर्टिकल है, कि जो ईरान के ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, सिटिंग प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, और जो फॉरेन मिनिस्टर थे होसेन अमीर, इन दोनों लोगों की डेथ कंफर्म कर दी गई मंडे को। मंडे को ये बताया गया कि इन दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है। जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम थी, उन्हें क्रैश्ड हेलीकॉप्टर मिल गया। वो जो माउंटेन जहां पे उनके हेलीकॉप्टर का वह जहां पे उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, वहां पे पता चला कि जो हेलीकॉप्टर था ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, उसका मलबा पड़ा हुआ था। वहां पे इन दोनों लोगों की बॉडीज मिली, विच इज अ वेरी ट्रेजिक थिंग फॉर ईरान। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पे शोक जाहिर किया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसके लिए शोक सभा भी रखी है, बिकॉज ईरान के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इंडिया एंड ईरान है गुड रिलेशन। हमारा चाहबार पोर्ट का प्रोजेक्ट भी वहां पे चल रहा है, और हिस्टोरिकल टाइज भी हैं हमारे ईरान के साथ, इसलिए उनको शोक संदेश भी दिया। जो वहां के अभी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको अभी प्रेसिडेंट का सारा वर्क सौंप दिया है। जो वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी जी हैं, उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मॉकबेल, उनको ये इंटरिम ड्यूटीज दी गई है, और इलेक्शंस जो है वो 28 जून को होंगे। उसके बाद फिर नए प्रेसिडेंट का वहां पे चुनाव हो जाए। वहां के जो न्यूज चैनल्स थे, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ऐसा कहा कि इब्राहिम रईसी जी ने अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ मार्टिरडम। मतलब जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्टिरडम होता है, शहीदी की प्रकाष्ठा होती है, वो उन्होंने हासिल की है। और जितने भी एक्सिस रेजिस्टेंस ग्रुप थे, जो इजराइल और उसके अलाइज के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप वहां पे हैं, जैसे हमास, हिजबुल्ला, सीरिया वाले जितने हैं, लेबनान वाले जितने हैं, ये फलस्तीन के जितने भी मिलिटेंट्स हैं, उन सारे लोगों ने भी इस पर संवेदना जाहिर की है, क्योंकि ईरान का उनके साथ काफी बढ़िया एक कनेक्ट था, काफी बढ़िया एक रिलेशन उनके साथ था। ठीक है, ये चीज जो हुई है, अभी इस पे जांच चल रही है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, फ्लाइट फेलियर इसको मोस्टली कहा जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि फ्लाइट फेलियर के चलते ही हो, पर टेक्निकल इशू के चलते ही यहाँ पे कोई और फॉरेन अटैक या उस तरीके चीजें सामने नहीं आती, या इसके पीछे कोई फॉरेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो विल कॉज अ न्यू काइंड ऑफ वॉर इन द वर्ल्ड, विच द वर्ल्ड कैन नॉट अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ। इसलिए यही चीज होनी चाहिए। बाकी देखिए, अभी तो इस पर बहुत सारी एनालिसिस आगे चलेगी। आज ही के हिंदू न्यूज़पेपर में दो एडिटोरियल्स इसी न्यूज के ऊपर है, उसको हमने लिया नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा हमारे यूपीएससी जर्नी के लिए सप्लीमेंटेशन वाला काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि ईरान के सारे नक्शे
ईरान में जो भी प्रोविंसेस है, कहाँ पे है, कौन सी नदी इंपॉर्टेंट बहती है, चाबहार पोर्ट का लोकेशन और उसके आसपास का और भी लोकेशन जो है, ग्वादर पोर्ट का लोकेशन, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, ये सब का हम लोगों को मैप और मेंबर कंट्रीज और ये सब हमें देखना होगा, बिकॉज अभी ईरान आ गया मेन न्यूज पे, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते। ओके, हमारा दूसरा आर्टिकल है, अमूल गोज टू यूएस, पार्टनर मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स बॉडी टू शेल प्रेस मिल्क। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि हमारा डेयरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमूल, ठीक है, अमूल जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन जिसको एमएमपीए के नाम से भी कहते हैं, उनके साथ मिलकर फ्रेश मिल्क बेचेगा कहाँ पे, यूएस में, यूएस के ईस्ट कोस्ट के इलाके में और मिड वेस्ट के इलाके में अभी काम अमूल मिलके इनके साथ शुरू करें, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वाशिंगटन, टेक्सास, इन सारे जगहों पे अपना बेचना अमूल प्रोडक्ट स्टार्ट करेगा, नॉट ओनली मिल्क बट अदर फ्रेश प्रोडक्ट्स भी वहां पे बेचे जाएंगे। और जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है जो अमूल की मार्केटिंग करता है, अमूल का जो अम्ब्रेला बॉडी है वही वहां पे मार्केटिंग देखेगा, ठीक है, और जो प्रोक्योरमेंट होगी, जो दूध को लेना होगा कहीं से प्रोक्योर करना होगा, वो सारा काम जो है वो एमएमपीए देखेगी, मतलब वो मिशिगन वाली कंपनी जो है वो प्रोक्योरमेंट का काम देखेगी और मार्केटिंग की काम का काम जो है वो इंडिया वाली कंपनी देखेगी। क्यों? क्योंकि इनका मेन फोकस जो है वो इंडियन डायस्पोरा को वहां पे टैकल करना है, ये लोग मेनली वहां पे जो भी इंडियंस रह रहे हैं या जो भी एशियंस रह रहे हैं उनको टैकल करने का ये लोग मेन कोशिश करेंगे वहां। और दूध जो है वहां पे हमारे तरह आधे लीटर और 1 लीटर के पैकेट में नहीं बिकेगा, 500 ml, 1000 ml के पैकेट में नहीं बिकेगा, वहां चलता है गैलन, ठीक है, 1 गैलन में 3.8 लीटर, हाफ गैलन में 1.9 लीटर, इसी पे, इसी गैलन के बेसिस पे वहां पे दूध की बिक्री कराई जाएगी, ठीक है। और जो दूध हमारे यहाँ पे बिकता है अमूल गोल्ड फुल क्रीम, अमूल शक्ति 4.5% वाला और अमूल स्लिम 2% मिल्क फैट, मतलब ये डबल टोन, यही वाला वहां पे भी बिकेगा, यही चीजें वहां पे भी चलेंगी। जो ये गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है उनके जो हेड है उन्होंने कहा है कि सारी चीजें जो इंडिया में कॉम्पोजिशन वही कॉम्पोजिशन वहां पे भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और दूध के साथ पनीर, चीज, आइसक्रीम, ये सारी चीजों को भी बेचा जाए। ऑल्दो पहली बार ऐसा नहीं है कि अमूल किसी और देश में एक्सपोर्ट कर रहे, इससे पहले भी 50 देशों में अमूल लगभग एक्सपोर्ट करता है वेस्ट एशिया और अफ्रीका के देशों में, बट ये यूएस में पहली बार अमूल की एंट्री हुई है और फर्स्ट टाइम इसकी प्रोसेसिंग भी जो है वो भी दूसरे देश में ही, ठीक है, एंड विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। एक अपना एक ब्रांड जो है वो विदेशों में काम करेगा तो ये तो प्राउड मोमेंट है, ठीक है, तो हमारे लिए केस स्टडी अमूल बन गया कि कैसे एक इंडियन ब्रांड, छोटा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ब्रांड, आज इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब हमारा तीसरा आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल इज पीक पावर डिमांड हावरिंग एट 235 गीगावाट एमिड हार्श हीट वेव। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो हमारा पावर कंजम्पशन, ये बढ़ गया है, कितना हो गया है, 235 गीगावाट, और ये क्यों हुआ है, हार्श हीट वेव के चलते, जो अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना ज्यादा हीट वेव चल रहा है, इस चीज के चलते ये जो पीक डिमांड है वो इंक्रीज होके 235 गीगावाट पहुंच रहा है, और इसके पीछे के मेन कारण है एयर कंडीशनर्स और कूलर्स। यार अभी गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप लोग देख ही रहे हो, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न क्या साउथ में भी पड़ ही रही है क्योंकि अभी तक वहां पे भी तो मानसून आया नहीं है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली वगैरह में तो मतलब हालत खराब है, ठीक है, वहां पे 235 पहुंच गई है, 6 मई को ही 233 पहुंच चुकी थी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, 233 गीगावाट
6 मई को ही पहुंच चुका था, जो कि पिछले साल 221.42 गीगावाट था। तो आप सोचो, ये जो है 12 गीगावाट का कंजम्पशन हमारे यहाँ पिछले साल से इस साल तक बढ़ चुका है। और पहले ही पावर मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट लगा लिया था कि 235 पहुंचने वाला है दिन में और 225 रात को, ये पहुंचने वाला है। ये पहले से ही पावर मिनिस्ट्री ने लगा लिया था, और ये और ज्यादा बढ़ के 240 तक भी जाए दिन में 240 और रात को 235 गीगावाट जून में, ये जाना तय है। और ये तब तक कम नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जब तक साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भारत में नहीं आ जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो वो हमारे यहाँ के मौसम को ठंडा करता है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है वो केरला कोस्ट को कब हिट करेगा, 1 जून को, पहले मैं ये समझा। यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है भारत, इस तरीके से एंटर करता है, क्या कोरियोलिस फोर्स के चलते वो ऐसे घूम जाता है, समझ रहे हैं? ये पोजीशन होती है। अब ये वाला जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये हो गया हमारा केरला का कोस्ट। इस केरला के कोस्ट पर वो 1 जून को हिट करेगा, इसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर। इसका एक और नाम है, कोई पीने वाली बहुत फेमस ड्रिंक है जो गर्मियों में हम लोग कोल्ड करके पीते हैं, उस ड्रिंक के नाम पे है वो शावर। वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, कर्नाटका में उसका प्रोडक्शन भी होता है, वो कौन सा शावर है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? अब ये देखिए, ये तो एक चीज हुई कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, बट इसका आप आफ्टर इफेक्ट देखिए क्या क्या पड़ रहा है। हमारे यहाँ एयर कंडीशनर का यूज ज्यादा हो, एयर कंडीशनर का ज्यादा यूज मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा इमिशन, ठीक है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का ज्यादा, अब तो खैर ओजोन वाले सब्सटेंसेस नहीं डाले जा रहे हैं, कार्बन का यूज भी कम ही हो रहा है, बट उसके चलते ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो आप गर्मी से बचने के लिए एसी चला रहे हो और इनडायरेक्टली उसके चलते इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो और गर्मी बढ़ा ही रहे हो, पहली चीज। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, मेजरली इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोल बेस्ड मतलब थर्मल पावर प्लांट से है, वो हमारा मेजर प्रोडक्शन है। हमारा टारगेट है ना कि हम लोग 2030 तक जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से इंक्रीज कर लेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट मोमेंट हमारा थर्मल पावर से ज्यादा है। अब जब हमारा थर्मल पावर से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मींस टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर आल्सो प्रोड्यूसिंग मेनी ग्रीन हाउस गैसेस, मेनी पॉल्यूटेंट्स, क्या बहुत सारे गैसेस हम लोग एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। और हम लोगों के इस चीज के चलते बहुत सारे हीटिंग सब्सटेंसेस नॉट ओनली इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में तो आ ही रहा है, वाटर में भी जा रहा है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में वाटर का बहुत ज्यादा यूज है, एक मेजर यूज है वाटर का। तो अब सोचो, इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए हमने क्या क्या किया, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट की प्रोडक्शन में, पॉल्यूटेंट्स जैसे PM2.5, PM10.0, इन सब को हमने प्रोड्यूस किया, अलग अलग गैसेस को प्रोड्यूस किया बहुत सारी, जिसमें से हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी हो, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक है, हो क्या मतलब होता ही होता है। और हीटिंग हमारे एटमॉस्फेयर को हीट किया जा रहा है, और हमारा वाटर भी हीट हो रहा है, वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक एनिमल्स से उन पे गलत इफेक्ट, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग अगर एयर कंडीशनर्स का यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर का यूज कर रहे हैं, तो उसके चलते हमारे पर्सनली हेल्थ में जो इफेक्ट पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल बढ़ रही है,
जब आप कभी देखोगे ना एसी के पास, आप कभी गुजर के देख लो, या देखा ही होगा, एकदम गरम गरम हवा फेंकती है पीछे से, उसका जो एग्जॉस्ट होता है काफी गरम हवा फेंकता है। तो मतलब अगर बहुत सारा एसी है तो वो ग्लोबल वार्मिंग में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। ये दो चीजें हो गई, और इन सारी चीजों के अलावा जो सबसे बड़ी चीज वो है कॉस्ट। लोगों की कॉस्टिंग भी तो बढ़ रही है, इकोनॉमी पे भी तो इसका असर पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि लोगों ने अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की तो उसका बिल भी तो देना होगा। जब उसका आपको बिल देना पड़ रहा है तो एक तो आपका यहाँ से कॉस्ट बढ़ा, एसी को आपको खरीदना पड़ेगा, कूलर आपको खरीदना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ी, इंक्रीज हुई। ये सारे इश्यूज जो हैं ये हमारे लिए एक तरीके के बर्डन। तो आप कहोगे कि सर कॉस्ट बढ़ रहा है, एसी कूलर खरीदा जा रहा है, तो मार्केट में प्रोडक्शन भी तो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये किस कॉस्ट पे? हमारे एनवायरमेंट के कॉस्ट। इसीलिए इसका रिपरकशन देखने की जरूरत है कि कितना बड़ा इसका आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि अपने अर्थ टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रख, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और 2 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करने देना। बट अभी जो स्थिति है, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो है पॉलिटिकल विल। जो ग्लोबल लीडर्स हैं हमारे पूरी दुनिया के, खासकर डेवलप्ड नेशंस के, जिनको हम लोग ऐसे ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं, उनके जो लीडर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग, वो लोग राजी ही नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए और इस चीज पर प्रॉपर एक्शन लेने के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है। खैर, मैं टॉपिक से बहुत ज्यादा दूर चला गया, एनवायरनमेंट पे चला गया, तो खैर हमें इस बात पर डिस्कशन करनी चाहिए कि ये डेटा थोड़ा सा हमें अपने ध्यान पे रखना है कि हमारे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसकी इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स क्या है मेन्स प्रोस्पेक्टिव से, तो आप उस पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि उसके प्रोडक्शन से लेके उसके यूजेस तक हर जगह पे कहाँ पे कैसे, कॉस्टिंग से लेके सारी चीजों पे जो हमने डिस्कशन की है, इसका एक ओवरव्यू बना के आप एक आंसर को तैयार कर सकते हैं, और कैसे हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं, हीट वेव चल रहा है, तो इसके इसको रोकने के लिए क्या कर किया जा सकता है? मियावाकी टेक्निक, नगर वन स्कीम, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते, ठीक है? और ये मानसून कैसे आता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, वो मैंने आपको यहाँ एक ब्रीफ उसका बता दिया। अब लास्ट आर्टिकल है आज का, कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है, कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी किसके हाथ में रही, द क्वेश्चन अराइजेस ओवर फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी यूनिट। ये क्या है? हम सभी को पता है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट है जो कि दिल्ली में है। अब जो ये पार्लियामेंट है हमारी, उस पार्लियामेंट को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता होगा, ठीक है? कौन है जो हमारी पार्लियामेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? जो करता है उसका नाम है सीआईएस, बट ये कब से कर रहा है? अभी कल मंडे को सीआईएसएफ ने बहुत सारे पार्ट्स में, पार्लियामेंट बहुत बड़ा एरिया है, जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे, अदरवाइज आपने न्यूज या फोटोज न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसके कुछ पार्ट को अभी सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करी है कल से। लेकिन इससे पहले कौन करता था? इससे पहले करता था पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस यूनिट, पीएसएस यूनिट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करता था, ठीक है? और ये जो पीएसएस यूनिट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अडॉप्ट हुआ था 1950 में, उसी समय से अडॉप्ट किया, उसी समय से ये हमारी पार्लियामेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले इनको वॉच एंड वार्ड स्टाफ के नाम से जाना जाता, वॉच एंड वार्ड स्टाफ के नाम से इनको बुलाया जाता था, जो कि 1929 में, देखिए इसकी हिस्ट्री कैसे जुड़ रही है,
1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था, अंग्रेजों के कान में गूंज फैलाने के लिए, जब भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने यह महान काम किया था, उस समय अंग्रेजों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉच एंड वार्ड स्टाफ की स्थापना की थी। और जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने अपने संविधान को अपनाया, तो हमने क्या किया, उसका नाम बदला, उसके प्रोसेस को बदला, उसके प्रोसीजर को बदला, और उसको पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से हम लोग जानने लगे। ठीक है, और ये जो था पार्लियामेंट सिक्योरिटी एक्ट, ये हमारे पुराने ओल्ड पार्लियामेंट था जो अभी संविधान सदन, अभी क्योंकि हम लोग सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करते। बट अभी की क्वेश्चन ये है कि CISF आ चुकी है, ठीक है, तो क्या आप CISF ही वहां पे रहेगी, क्या पार्लियामेंट सिक्योरिटी यूनिट को हटा दिया जाएगा, क्या होगा उस? ठीक है, क्योंकि CISF बहुत सारे लॉबीज में आ चुकी है, वहां पे सिक्योरिटी को देख रही है, और CISF का जो ऑफिशियल्स हैं, उन ऑफिशियल्स का कहना है कि मतलब उन ऑफिशियल्स को इसलिए लाया गया है कि ये लोग बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है और ये वेल ट्रेंड है। ठीक है, बट अभी तक जो PSS वाले लोग हैं, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस वाले, इनको भी टोटली हटाया नहीं गया, बट आगे इनका क्या होगा इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि CISF जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब, आज कोई आदमी अगर कोई हमारे CISF पर्सनल जो है वो अगर दिल्ली मेट्रो में पोस्टेड है, तो हो सकता है कि कल आज से 1 साल बाद वो मुंबई मेट्रो में पोस्टेड हो, उसके बाद वो हो सकता है कि किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में पोस्टेड हो जाए, ठीक है, उनको किसी और कंपनी के सिक्योरिटी में, किसी इंडस्ट्री के सिक्योरिटी में उनको लगा दिया जाए। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी थी वो तो परमानेंट थी वहीं पे। इस चीज के चलते इश्यू क्या है कि वो लोग सारे MPs को, फॉर्मर मेंबर्स को, इन लोगों को पहचान नहीं पाते, कोई उनका नकल बना के जा रहा है, कोई दूसरा वेस बना के मतलब जा रहा है, तो अगर कोई नया नया वहां पे बहाल हुआ है, नया नया पोस्ट हुआ है वहां पे, तो वो नहीं पहचान पाएंगे, ये इश्यू है। अब मान लीजिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, या किसी भी एयरपोर्ट पे, इन सारी जगहों पे CISF के हमारे मेंबर्स होते हैं जो कि काफी अच्छा काम करते हैं, बट वहां पे उनको VIP लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, वहां पे उनको रोज MP से इंटरेक्ट नहीं करना, बट पार्लियामेंट में तो हर रोज MP आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पे ये लोग अगर नहीं पहचान पाएंगे तो MP को प्रॉब्लम होती है, इसी के चलते SIS आर्टिकल कहा जाए। अब ये जो CISF का इंडक्शन हुआ है, ये किसके कहने पर, हमारे ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन्हीं के कहने पे इसका इंडक्शन किया गया है। ठीक है, क्योंकि स्पीकर को जो है वो गार्डियन माना जाता है, यही जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसके अंडर में CISF आती है, हमारी पार्लियामेंट्री फोर्सेज आती है, कौन कौन सी और पार्लियामेंट्री फोर्सेज है, एक CRPF है, इसके अलावा जो है आप मुझे नाम बताएंगे, एक S से स्टार्ट होता है और एक I से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट इन दोनों का आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इन लोगों ने कहा। इन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टैकल करती है, CISF को भी करती है, तो हमारे स्पीकर सर ने ऑर्डर पास किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और CISF को वहां पे लगा दिया गया है। पर यह कहना है PDT आचार्य सर का, जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के, और उन्हीं के टेन्योर में वार्ड एंड स्टाफ का, वॉच एंड वार्ड स्टाफ का नाम बदल के PSS किया गया था 2008। ठीक है, और क्या है कि राज्यसभा के एक MP हैं तिरुचि शिवा, इनका कहना है कि इनको 3 बार CISF के लोगों ने रोक के इनका ID कार्ड चेक, जो कि पहले PSS के टाइम पे नहीं होता था, क्योंकि वो लोग वहां के परमानेंट स्टाफ थे पार्लियामेंट के, और वो लोग देख के पहचान जाते, तो ये एक इशू है। और क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी CRPF है वो पार्लियामेंट के पेरिफेरी में, मतलब उसके अंदर नहीं बट उसके चारों ओर बाहरी इलाके में
पेरिफेरी में उसको लगाया गया है, लगाया गया था पहले, बट अब उनको भी हटा दिया गया है। अब सीआरपीएफ भी वहां पे नहीं है, वहां पे सिर्फ सीआईएसएफ। दिल्ली पुलिस जो है वो पहले वहां बाहर बैठ के सामान वामान चेक करना, स्कैनिंग करना, बैग्स का ये सब करती थी, बट अब उसको भी हटा दिया गया है। यही सारी चीजों का यहाँ पे इशू, और ये सब इतना बड़ा सिक्योरिटी में चेंज पार्लियामेंट में लास्ट टाइम 2001 दिसंबर 2001 में आया था, जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट, अफजल गुरु वाले लोग जो थे अटैक में शामिल, उस समय लास्ट टाइम इतना बड़ा चेंज हुआ था, जब हमारे दो पीएसएस के बहुत बहादुर लोग मारे भी गए थे, ये मतवर सिंह नेगी और जगदीश प्रसाद यादव, इन लोगों की उसमें डेथ भी हो गई थी, ये लोग शहीद भी हुए थे। उस समय एक लास्ट चेंज लाया गया था, और ये जो रिसेंट चेंज लाया गया है, एक रिसेंट पार्लियामेंट पे काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश लोगों ने की थी, जो कि एक अटैक था, सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश की गई थी, कुछ क्या कहूँ मैं उनको, एंटी नेशनल ही कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट की अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है तो मेरे लिए वो एंटी नेशनल ही है, उन फोर्सेस के द्वारा 13 दिसंबर 2023 उसी के सिलसिले में इस चीज को किया गया है, सीआईएसएफ को वहां पे लाया गया। और जो ओवरऑल सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की, वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट देखता है, तो ये चीज यहाँ पे थी। अब इसके चलते जो पीएसएस के हमारे जवान है, पीएसएस के जो हमारे 20 जवान है, उनका कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा फ्यूचर खतरे में है, हमें फोर्स किया जा सकता है कि हम लोग 55 की एज पे ही रिटायर हो जाए। और क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से पीएसएस में कोई नई बहाली नहीं है, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर नो पीएसएस रिक्रूटमेंट हैज बिन डन, ठीक है, और एट प्रेजेंट लगभग 600 पीएसएस के ऑफिसर्स डिप्लॉयड है पार्लियामेंट। तो ये हुआ पीएसएस के बारे में। ये हमारे क्यों मैंने आर्टिकल को डिस्कस किया, क्योंकि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसके अराउंड क्वेश्चन भी मे भी आ सकते हैं, चांसेस कम है बट स्टिल। तो इस तरीके से हमारा आज का डिस्कशन ओवर होता है, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने फीडबैक के तौर पे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर हिंदू की एनालिसिस के साथ आपको यहीं मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग आउट और जय शंकर।